हमारे तुझको खत्म है मेरी ना आना हाथ खाली और डंडा था ये ग्लोकार मारू ग्लोकार या मौजूद है मैं खुशामदीद कहूंगा जाहिशा यूनुस मेमन और अपना आमिर ओगला साहब बैठे हैं आपका फारूकी साहब बैठे हैं याया चौहान साहब बैठे हैं मोहम्मद अली नकवी बैठे हैं और बहुत सारे हमारे सीनियर बैठे हैं मैं सबको खुशामदीद कहूंगा और शाह साहब बैठे हैं वेलफेयर वाले शाह साहब आपके लिए भी खुशामदीद तो रफीक भट्ट साहब बैठे हैं भट्ट साहब सफीर भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन शाह साहब भी बैठे हैं खातिर आजाद हम प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम ऐसा है जो परवेज हैदर साहब कई सालों से मुसलसल कर रहे हैं तराजे तहसीन पेश कर रहे हैं मास्टर गुलाम हैदर को उनकी खिदमात के इतराफ है वैसे तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फनकार ऐसे म्यूजिशियन रोज रोज नहीं पैदा होते उनके लिए कुछ ऐलान करें बेशक उनको अवार्ड मिल चुका है लेकिन ये ऐसे नगीने हैं जो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि आम पाकिस्तान ये समझता है कि शायद पाकिस्तान में हिंदुस्तान के बराबर के म्यूजिशियन या फनकार नहीं है ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है बहुत बड़े बड़े फनकार हैं उनके लिए बहुत सारी थाली है आइए खातिर आजाद प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं चाहूंगा एक खूबसूरत दो धुने सुने उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं आइए आपकी भरपूर तालियों में धुने पेश करेंगे ठंडा की नगरी से आजा
में हमारे गजल और गीत के पाकिस्तान का बड़ा नाम मोहम्मद अली साहब सच गा चुके हैं, यहाँ बैठे उनके लिए बहुत सारी ताकी क्योंकि मोहम्मद अली का एक ऐसा नाम है न सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर बहुत सुना जा रहा है, वो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ नासिर खान साहब बैठे हैं हमारे आठ नौकरी के, नकवी साहब बैठे हैं और बहुत सारे लोग अपना सही राय भाई बैठे हैं, आलिफ भाई अक्रम जी साहब बैठे हैं, सभी आइए आपकी भरपूर तालियों में नोमान खान। नोमान के लिए बहुत सारी तालियां क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए। बाकी लोग भी बैठ जाए, बैठ जाइए, मुझे सुन लीजिए वरना मैं चला भी जाता हूं। आजम बड़े शरीर का एक वाहिद इकलौता नाम जो मौसीकी की आबरू और आज तक जो मौसीकी को परवान चढ़ा रही हैं आवाजें, उनको सबसे पहले मुतारिफ कराने वाला नाम हैदराबाद सिंध 1908 में आप इस दुनिया में आए थे और इंतहाई कम उम्री 44 साल की इतनी ज्यादा उम्र नहीं होती कि आप इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये जो आपका करियर शुरू होता है मौसीकी का, क्योंकि आप शुरू से खानवादा तो आपका चाहता था कि आप फौज में चले जाएं, जैसे दीगर उनकी बेटी भी और उनके वालिद यानी परवेज हैदर साहब के दादा, लेकिन मां से गुलाम हैदर साहब क्योंकि मौसीकी उनके अंदर रची हुई थी, उन्होंने ये शोभा चुना और उसके बाद अपने फन का आगाज किया। हसन से फिर बॉम्बे चले गए, वहाँ जाके आपने बेशुमार फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी, बेशुमार। ऐसे में ही आज दो ऐसी लेजेंड्स इस जमीन पे जिन्हें अल्लाह ताला ने भेजा, मुझे यूँ लगता है कि इन आवाज़ों को अल्लाह ने भेजा था कि जाओ जाके जमीन पे लोगों को हैरान कर दो, मलका तरन्नुम नूर जहां। लता मंगेशकर जी, ये तो वो नाम है जो नाम ही एक तारुफ और तारीफ है, फिर शमशाद बेगम भी उस सब में शामिल है, हम भूले नहीं, तो सुरैया बेगम भी उसमें शामिल है, उन्हें भी आपने प्रोड्यूस किया, गीता दत्त भी हैं। ये तीनों वो सिंगर हैं जो छुपी रही। मेरे सामने मौसीकी का एक बड़ा स्कूल है और हम सब, मैं भी उनसे सीखता हूँ, उनको सुनता हूँ तो उस वक्त मैं सुन्नी हो जाता हूँ। और मैं उन्हें क्योंकि उनका गुफ्तगू का अंदाज और ख़ास तौर से मौसीकी के लिए इतना काम है उनका और अब भी वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंट्रल में सचमुच इस शोबे से मुतालिक कोई आदमी मौजूद है और वो हमारे लिए फ़ख्र है, हमारी बिरादरी से हमारे लिए फ़ख्र है। बेशुमार लोग यहाँ बैठे हैं, देखें ज़रा ये नाम कौन भूल सकता है, जावेद भाई और बेशुमार लोग और भी हैं जिनका हम तारुफ कराते जाएंगे। आज की जो शाम है वो और मौसीकी से इतना ज़्यादा लगाव है आपका कि आप बाय प्रोफेशन तो हमेशा पाकिस्तान की दोनों सरहदों से, मौसीकी की सरहद से भी आपने तहफ़्फ़ुज़ किया है और वैसे भी आपने तहफ़्फ़ुज़ किया है ब्रिगेडियर करार साहब की बहुत सारी तारीफ। अच्छा ये बहुत सारी थी, बहुत शुक्रिया। ओ
صاحب آپ کے لیے جی چاہتا ہے بہت کچھ بولنے کا لیکن اگر میں بہت مختصر بولوں تو کتنا مشکل ہے مشتبہ بھائی کتنا مشکل ہے زاہد شاہ ناصر بھائی کتنا مشکل ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شہر سے یعنی لاہور سے یہاں تشریف لاتے ہیں دو ماہ تین ماہ ڈھائی ماہ یہاں رہتے ہیں اور یہ پروگرام سے جاتے ہیں اور اتنی کامیابی کے ساتھ اور اس میں کوئی ان کے ساتھ یا اکیلے تنہا وہ کرتے ہیں تو وہ مجھے اکثر کہتے بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پرویز اظہر نے یہاں آ کے نا کراچی آتے ہیں اور لاکھوں روپے لے کے چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا یار پرویز اظہر تو پھر غلط کرتے ہیں انہیں چاہیے کروڑوں لے کے جائیں کیونکہ اکیلے جب وہ سب یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے اتنی محنت کے ساتھ اس عمر میں ویسے جوان ہے ابھی 27-28 سال کی تو ہو گئے ہم پرویز بھائی یہ میں نے ان کے خوابوں کی عمر بتائی ہے اور جو خوابوں کی تعمیر کی عمر ہے وہ بھی اتنی ہے تو یہ دونوں عمریں ملا لیں ہاں تو پھر پرویز حیدر بن جاتا ہم موسیقی سے متعلق بہت کم ایسا ہوتا ہے کیونکہ بہت آگے چلا ہاں اس سے پہلے ناہید کے لیے بھی تالیاں بجائیں بھائی انہوں نے بہت اچھا کہا ناہید نے ان کی پرفارمنس جو ہے ہاں تھینک یو تھینک یو موقع دیا دوسرا یہ کہ یہ کوئی کم اونر کی بات نہیں ہے کہ دوسرے شہر سے آ کے یہاں پہ پروگرام آرگنائز کرنا اور اس کو ٹو بی کنٹری میں لے کے چلنا تو میں چاہوں گا کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے ان کے لیے ایک دفعہ آپ کی بھر دل تعلیم ہونی چاہیے تھینک یو اور میرے کافی سارے سینئرس بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے میں سب کی اجازت چاہوں گا اور خاص کر ہمارے محمود بھائی میں تو انٹروڈکشن تو کچھ بھی نہیں کروا سکتا ہوں لیکن یہ کہوں گا کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں ان کی بہت بڑی خواہش ہے یہ ایمانداری کی بات ہے میرا اسکول آف تھاٹ استاد غلام علی صاحب ہیں انہیں کی ایک گائی ہوئی میں غزل سے آپ سب کی اجازت سے آپ سب کی اجازت سے برباد کیا
थैंक यू मैं आने वाले मौजूद मेहमानों ने ग्रामीण गोदावरी से खुश आमदीद कहता हूँ रहने Oh,
ऐसे रहते मेरे जैसे ظلمت में नूर है नजर का नूर है मैं नजर से पी रहा हूं ये समां
عادل بھائی اگر پوری رات بھی ہمیں اس طرح کے گیت سناتے رہیں سنتے رہیں گے بہت شکریہ عادل بھائی ساجد کو بلائیے ساجد کہاں بلائیں ساجد یہاں آ جائیں ساؤنڈ پہ ذرا میری آواز وہی رہنا تو بیٹا جو ہے تم نہیں بدل سکتے وقت ہمارے پاس کم ہے میں نے بتایا محمد علی بھائی یہاں پر پرفارم کریں گے اور پاکستان کی انتہائی بلند آواز ترنم ناز میڈم ترنم ناز تشریف لا چکی ہے باقی سٹیجوں کے لیے تالی بجائیے وہ یہاں پرفارم کریں گی کچھ ہی دیر میں اب میں نے اصل یہ نوٹس لیا ہے کہ کوئی پانچ گانے تو مجھے لانے پڑیں گے کم ہیں بڑھائیں اسے چھ کر لیں چھ کس نے کہا دس بیٹا پھر پیسے لو گھر بلاؤ